नहीं बताता ना, हार्डी शुल्ज़े रूल लिखवा देता कि नहीं? ओके, हम कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन ये सब लिखा, कोएगुलेशन फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन लिखा था। हाँ प्रेसिपिटेशन लिखा था ना। तो जो ये स्टेबिलिटी क्यों आ रही थी पार्टिकल्स में, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज आ रहा था ना, चार्ज उनको एक दूसरे से दूर रख रहा था, है ना, चार्ज उनको एक दूसरे से दूर रख रहा था, इसलिए ये स्टेबल थे। तो कोएगुलेशन कराने के लिए प्रेसिपिटेशन कराने के लिए हमको क्या क्या मेथड्स हैं? मेथड्स सबसे पहला मेथड शायद हमने लिख लिया था, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोई इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, काउंटर आयन, जो ऑपोजिट आयन होगा वो जाके पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या कर देगा, पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पार्टिकल्स तो फिर वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी है, काउंटर आयन मतलब ऑपोजिट आयन। ठीक है, तो जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, दी आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो काउंटर आयन है, जो ऑपोजिट आयन है, दी आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉकुलेशन या कोएगुलेशन इज कॉल्ड फ्लॉकुलेटिंग आयन। क्या बोलते हैं उसको, फ्लॉकुलेटिंग आयन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि हमें चार्ज चार्ज पता होना चाहिए पार्टिकल्स पे। मान लिया मेरे को मेटल सल्फाइड सोल्स को कोएगुलेट कराना है, किसको कराना है, मेटल सल्फाइड सोल्स को, है ना। तो हमने याद किया था कि मेटल सल्फाइड सोल्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऑलराइट, तो मेटल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, उनको कौन फ्लॉकुलेट कराएगा, NaCl में से Na+, है ना। तो फ्लॉकुलेटिंग आयन कौन हो गया, Na+ हो गया। समझ में आ गई बात बच्चों सबको, ठीक। तो जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसमें काउंटर आयन विल बी द फ्लॉकुलेटिंग आयन। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि, है ना, हार्डी शल्ज़े रूल बोलते हैं इसको, फ्लॉकुलेटिंग पावर या कोएगुलेटिंग पावर, फ्लॉकुलेशन कराने की पावर किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। समझ में आ रही बात, ठीक है। इससे बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं कि मान लिया हमसे पूछे कि भाई मेटल सल्फाइड्स के लिए कौन सा बेटर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा ना, Al+3, AlCl3 विल बी बेटर, AlCl3 विल बी बेटर फॉर, AlCl3 विल बी बेटर फॉर मेटल सल्फाइड सोल्स, मेटल सोल्स जो भी नेगेटिवली चार्ज है उनके लिए, क्योंकि उसमें फ्लॉकुलेटिंग आयन कौन हो जाएगा, Al+3, Al+3 विल बी द फ्लॉकुलेटिंग आयन। ठीक है, जो समझ आ गई कहानी। सिमिलरली एनायंस में हमने लिखे थे कुछ, शायद ये भी लिख लिया था ना, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन,
फिर से बता देता हूँ, काउंटर आयन मतलब प्रज्ञा ऑपोजिट आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट, तूने इलेक्ट्रोलाइट डाला NaCl है ना, अब तेरा अगर मेटल सल्फाइड सोल है तो उसके पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो कौन उसको फ्लॉकुलेट कराएगा NaCl में से, Na जाके कराएगा ना, न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उसके ऊपर अटैक कौन मारेगा, Na मारेगा, Cl थोड़ी ना मारेगा नेगेटिव के ऊपर अटैक, समझ में आ गई बात? Yes, sir. बस ये चीज है, तो वो आयन जो रिस्पॉन्सिबल है जो फ्लॉकुलेशन का कारण है उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेटिंग आयन, आगे बस समझे? Okay, sir. ठीक है, मान लिया तेरा हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन हमने लिखा था पॉजिटिवली चार्ज, लिखा था पॉजिटिवली चार्ज, याद है सबको? ठीक, तो इसमें अगर तुमने डाला भाई लेट्स से डाला मैंने मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है प्रज्ञा, तो कौन होगा कोएगुलेटिंग आयन, फ्लॉकुलेटिंग आयन, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कौन मारेगा, नेगेटिव चार्ज, सल्फेट आयन विल फ्लॉकुलेटिंग आयन, इतनी सी बात है, क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ हेमोग्लोबिन जो ऑर्डर आएगा है ना, इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ऑर्डर आएगा उसमें हम बच्चों एनायन देखेंगे, क्या देखेंगे, एनायन देखेंगे, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, है ना, H3PO4 देखा मैंने, PO4-3, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं कोई, मैग्नीशियम फॉस्फेट लिया मैंने, मैग्नीशियम सल्फेट लिया मैंने, हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, हालांकि मैग्नीशियम तो मैंने सब में कॉमन ही कर दिया, लेकिन हमें क्या देखना है प्रेसिपिटेशन ऑफ हेमोग्लोबिन के लिए, एनायंस का चार्ज देखना है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो पावर फॉस्फेट आयन की सबसे ज्यादा होगी PO4-3, सल्फेट आयन की उससे कम, क्लोराइड आयन की और कम, इतना सच, इतनी सी बात है, क्लियर है बच्चों? समझ आ गया सबको? तो पावर अकॉर्डिंग टू हार्डी शल्जे रूल फ्लॉकुलेटिंग और कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेशन कराने की पावर डिपेंड करती है चार्ज पे, फ्लॉकुलेटिंग आयन के चार्ज पे, बात समझ आ गई? एक होती है फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू, ठीक है, ये होती है कितने, कितना लगेगा, कितना यूज होगा, कितना इलेक्ट्रोलाइट मिलीमोल्स पर लीटर में यूज होगा फॉर फ्लॉकुलेशन या कोएगुलेशन, उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू, ठीक है, तो बच्चों फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू कितना लगेगा वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, भाई जो ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, उसकी कम वैल्यू लगेगी, उसका कम अमाउंट लगेगा, समझ में आ रही सबको बात? तो फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लॉकुलेटिंग पावर या कोएगुलेटिंग पावर, समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? तो इसका क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसका ऑर्डर लिखना है आपको, फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर लिखना है या फ्लॉकुलेटिंग पावर का, क्लियर है बच्चों सबको, बात समझ आ रही है? सो फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स required per liter for coagulation or flocculation of a sol, उसको क्या बोलते हैं जो flocculating value, ये सब terms आपको clear होनी चाहिए, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, Thank you.
ये सेकंड क्वेश्चन करो एक बार. ठीक है, हो गया. चौथा sb2s3 क्या मेटल सल्फाइड विच विल बी नेगेटिवली चार्ज. कैसा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा. क्लियर है? तो नेगेटिवली चार्ज को कौन निपटाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस. कैटायंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसमें होगा? एल्यूमिनियम आयन. समझ आ गया? तो कोई दिक्कत है? क्लियर एवरीवन? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लो, ये भी हम कर चुके हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सर, वो क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं मुझे जो आप दिखा रहे हैं. नहीं सर, आपने जो स्लाइड लगा रखी थी जिसपे आपने लिखा था वही दिख रहा है अब. हाँ सर, आप दिख रहे हैं. अच्छा, ये नहीं शो हो रहा था क्या? अरे बताया नहीं किसने. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करो. फर्स्ट एंड सेकेंड.
सर सेकंड वाले का सी होगा क्या? हाँ सेकंड वाले का सी होगा, बिल्कुल सही है ना। तो कैटायंस देखेंगे, मेटल सल्फाइड है तो क्या देखेंगे, कैटायंस। ठीक है, और फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था, जिसका साइज बड़ा होगा उसका सीएमसी क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, याद है सबको? तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, जिसका साइज बड़ा उसका सीएमसी कम। क्लियर एवरीवन? ये करो जो 13th क्वेश्चन नंबर 13। तो आयरन हाइड्रोक्साइड सोल याद है, पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि आयरन हाइड्रोक्साइड सोल इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, वैसे भी लॉजिक लगा के भी आप सोच सकते हो कि भाई पोटेशियम आयन तो कॉमन है, तो एनायंस ही देखने हमने, क्या देखने हैं जो एनायंस। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? कोएगुलेशन और फ्लॉकुलेशन वैल्यू बताना है, वैल्यू पावर नहीं, वैल्यू। तो पावर तो ज्यादा होगी K3FeCN6 की, क्योंकि उस पर FeCN6 पे -3 चार्ज होगा। ठीक है, पावर उसकी ज्यादा होगी, लेकिन वैल्यू उसकी सबसे क्या हो जाएगी, कम। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जो नाइट्रेट आयन पे भी -1 चार्ज, Br पे भी -1 चार्ज और Cl पे भी -1 चार्ज। अंडरस्टूड एवरीवन? तीनों की वैल्यू कोएगुलेशन वैल्यू सेम आएगी। ऑलराइट, एनी डाउट? इस तरह से आसान आसान से क्वेश्चन इससे बनेंगे, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि क्या है, किस चीज का मतलब। ओके, सो फ्लॉकुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू, ये सब चीजें समझ में आ गई सबको? और जो मेथड्स हैं
फॉर प्रेसिपिटेशन, अदर मेथड जो है प्रेसिपिटेशन कराने के लिए, एक तो हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सबसे कॉमन, अदर मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर एक तो जो मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सोल्स, दो ऑपोजिट चार्ज वाले सोल्स को हमने मिक्स कर दिया है ना, तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाला सोल लिया और एक नेगेटिव चार्ज वाला लिया, उनको मिक्स कर देते, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये भी एक तरीका है ना भाई, सिंपल ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ना डाल के हमने दो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स कर दिया, उससे भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, या फिर बच्चों बाय बॉइलिंग, बॉइल कर दिया, बॉइल करने से भी पार्टिकल्स ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे, उनका अट्रैक्शन बीच का नेग्लिजिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो आपस में आके जुड़ जाएंगे, है ना, बाय बॉइलिंग। और एक होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब टर्म्स आपको है ना बोर्ड में भी लिखने के लिए आ सकता है, इनके ऊपर डेफिनेशन वगैरह ध्यान रखना है, याद रखना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, हम कैथोड एनोड लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करना पार्टिकल्स का, ठीक है। तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो बच्चों सेम चार्ज वाले एक साइड आके इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, भले ही उनमें कितना भी रिपल्शन हो, लेकिन जब है ना बिजली के बुलाने पे तो बिजली का झटका जब लगेगा तो आएंगे, खींचे चले आएंगे, समझ में आ रही बात प्रज्ञा, एनी डाउट? सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, हम क्या करते हैं कैथोड एनोड लगाते हैं और उसकी प्रेजेंस में अरे तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उससे भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें दो चार और एक दो काम की है, तो है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो लायोफिलिक वाले होते हैं, उनके पास एक लायोफिलिक वालों के पास एक प्रॉपर्टी होती है टू प्रोटेक्ट, इनको प्रोटेक्ट करने की, लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल के उनको न्यूट्रलाइज किया था, उनको प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है किसके पास, लायोफिलिक के पास, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, लायोफिलिक सोल्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट
लायोफोबिक सोल्स फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. By forming a protective layer. ये सब बच्चों है ना थियोरेटिकली याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब, आपको स्कूल में भी लिखना होगा नोट सोर्स में. From precipitation by forming a protective layer. ठीक है, तो लायोफिलिक सोल्स प्रोटेक्ट करते हैं लायोफोबिक सोल्स को, और उनकी प्रोटेक्टिव पावर को, जैसे हमने ऊपर फ्लॉकुलेटिंग पावर देखी थी, फ्लॉकुलेटिंग पावर फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी, ऐसे ही यहां पर जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो एक गोल्ड नंबर, एक डेफिनेशन आएगी गोल्ड नंबर की. ठीक है, गोल्ड नंबर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, गोल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि गोल्ड नंबर की डेफिनेशन अभी आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा. फिर से वही चीज होगी कि कितना कितना यूज हो रहा है लायोफिलिक वाला प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर. क्या बोलते हैं उसको? गोल्ड नंबर. गोल्ड नंबर इज number of milligrams, number of milligrams of protective colloid required, protective colloid required to prevent coagulation of 10 ml standard gold sole from 1 ml 10% from 1 ml 10%. बहुत अच्छे से ये आपको याद करना है. NaCl solution, ये जो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन, कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड कोलाइड का लगेगा, रिक्वायर होगा किसको बचाने के लिए? गोल्ड सोल को. गोल्ड सोल हमारा कैसा है? लायोफोबिक है, उसको हम NaCl से बचाना चाहते हैं. उसको बचाने के लिए कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड लगेगा, उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर. समझ में आ रहा है सबको? डेफिनेशन याद करनी है आपको. क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल 0.25 ग्राम स्टार्च protects 10 ml gold sole from let's say 2 ml 10% NaCl solution. ठीक है, find gold number. तो अगर हमें ये definition अच्छे से याद है तभी हम इसका question कर पाएंगे unitary method से. किससे? unitary method से. साफ साफ लिखा हुआ है number of milligrams of protective colloid required to prevent coagulation of 10 ml gold sole from 1 ml 10% NaCl. ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बच्चों? 10 ml gold sole तो ठीक है गिवन है, उसको 2 ml NaCl solution से बचाने के लिए इतना यानी कि 250 milligram स्टार्च लगा. समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? यूनिटरी मेथड जानते हो आप, 2 ml से बचाने के लिए इतना लगा, 1 ml से बचाने के लिए कितना लगेगा? 125 मिलीग्राम लगेगा. बताओ, कोई डाउट? आंसर हो जाएगा हमारा 125. 250 मिलीग्राम स्टार्च लगा टू प्रोटेक्ट 2 ml 10% NaCl सॉल्यूशन. क्लियर है ये सबको? समझ आ रही बात? मेहर, प्रज्ञा, एनी डाउट? पूछ लो यार कोई डाउट हो तो, है ना. तो हमें ये डेफिनेशन याद करनी पड़ी गोल्ड नंबर की इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए. ठीक है, श्रेया, दिव्यांशी, समझ आ रहा है?
वृष्टि प्रिंस एनी डाउट किसी को? गोल्ड नंबर आ गया 125। तो ये सब डेफिनेशन बना रखती हैं, आपको याद करना है ना। वहां पर था कोएगुलेशन कराने के लिए, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कोएगुलेशन से क्या डिफाइन किया गया है? गोल्ड नंबर। ठीक है, समर्थ लेट ज्वाइन किया, शायद समझ में आ रही बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद जो प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर है ना, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका कम वैल्यू लगेगा, वो तो फंडा है ही जो ऊपर से चला आ रहा है। प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, जो करें क्वेश्चंस कुछ तो याद हो गया आपको, क्या क्या आपको याद करना है? फ्लॉक्चुएशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग गोल्ड नंबर, करते जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9। गोल्ड सोल कैसा होता है? मेटल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमें कैटायंस देखने, क्या देखने? कैटायंस। समझ में आ रही बात? तो MgCl2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब पे Na+ पे पोटेशियम आयन पे +1 चार्ज है, Mg पे +2 चार्ज। मोस्ट इफेक्टिव कौन हो जाएगा गोल्ड सोल के लिए? MgCl2। क्लियर? MgCl2 आंसर होगा क्या? MgCl2, यस। 13। Fish. आगे इसका आंसर पूछो। आर्सेनियम सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज के लिए हम कैटायन देखेंगे, तो AlCl3 हो जाएगा आंसर, Al+3 वाला, है ना। गोल्ड नंबर के क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ।
इसमें हाँ है इसमें कुछ एक बार तो फर्स्ट क्वेश्चन करो ये कॉम्प्रेंशन का फर्स्ट ये तो सीधे वही डेटा है जो डेफिनेशन में होता है 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml रेड गोल्ड सोल। ठीक है भाई समझ आ रहा है सबको। उसके लिए 0.025 ग्राम स्टार्च तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 25 तो गोल्ड नंबर विल बी 25 समझ में आ गया सबको। ठीक है सीधे सीधे वही डेटा आ गया इसमें तो कुछ खास नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कर इसका सेकंड थर्ड भी देख लो एक बार जल्दी से सब लोग। सो सेकंड में करेक्ट है लोअर द गोल्ड नंबर मोर द प्रोटेक्टिव पावर। ठीक है एंड लोअर द कोएगुलेशन वैल्यू हायर द कोएगुलेशन पावर। ठीक है ना ये सब चीजें आसान सी है। और देखते हैं कुछ है काम का तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन एक बार करो इसका सेकंड।
सर सी आंसर होगा क्या? क्या था प्रज्ञान? मिक्सिंग द सोल्स हैज नो इफेक्ट व्हिच ऑफ द हां सही है सी थर्ड विल बी द नॉट करेक्ट ऑप्शन क्योंकि हम ऑपोजिटली चार्ज को मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है ना अभी पढ़ा था हमने राइट ठीक है फोर्थ सही है कोएगुलेशन एंड बोथ सोल्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी पढ़ लिया हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉज कोएगुलेशन इन बोथ सोल्स हां करेगा तो दोनों में क्योंकि दोनों आयंस हैं पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है ठीक है और फर्स्ट भी सही है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोएगुलेट्स द गोल्ड सोल मोर रेडिली देन द आयरन हाइड्रोक्साइड सोल है ना क्योंकि हम क्या देखेंगे नेगेटिवली चार्ज है तो हम हाँ जी तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोएगुलेट्स द गोल्ड सोल गोल्ड सोल कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज अच्छा तो ये फर्स्ट भी गलत लिखा हुआ है ना तो ना फर्स्ट भी तो गलत है ना बच्चों क्योंकि आयरन पे तो प्लस थ्री चार्ज है और मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज है तो पहला भी गलत हो गया फिर तो ठीक है मेरी बात समझ आ रही है बताओ यार पहला सही है गलत है हेलो बच्चों आवाज आ रही है किसी को नहीं आ रही सर कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए क्यों कंफ्यूज हो रहे बताओ रीजन तो बताओ गोल्ड सोल कैसा चार्ज होता है सर नेगेटिवली तो उसको कौन करेगा कैटायन यस सर मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज है आयरन पे प्लस थ्री चार्ज है इसमें क्या कंफ्यूजन है मैग्नीशियम क्लोराइड कोएगुलेट्स द गोल्ड सोल मोर रेडिली दिस इज इनकरेक्ट क्लियर है भाई और कोई डाउट नहीं बचा बढ़े आगे और क्वेश्चन देखते हैं
ठीक है, क्लियर हो गया भाई सेकंड क्वेश्चन सबको, एनी डाउट? आगे बढ़ें। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। एक तो हमें गोल नंबर वगैरह सब समझ में आ गया, पूछो तो इसी टाइप के, बस ये सब चीजें हैं इसमें। मेन जो है प्रोटेक्टिव पावर, कोएगुलेटिंग पावर, है ना, गोल नंबर, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद फिर हमारा इसमें बचता है एक तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो जो आपने बताया मैंने एक दो स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो एक तो आ जाता है केमिकल मेथड्स ही बोलते हैं इसको, केमिकल मेथड्स मतलब रिएक्शंस, केमिकल मेथड्स में एक तो वही रिएक्शन है आपकी As2O3 plus H2S वाली जो मैंने लिखाई थी कि इसमें क्या बनता है, आर्सेनिक सल्फाइड और H2O, और आर्सेनिक सल्फाइड जो बनता है ना उसके ऊपर H2S जो एक्सिस में होता है उसके सल्फाइड आयन साथ ही चिपक जाते हैं, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन रहता है, क्लियर है, और उससे ये स्टेबल हो जाता है, उससे आर्सेनिक सल्फाइड का सोल क्या हो जाता है, स्टेबल, ठीक है। तो स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक चीज तो ये है, कुछ रिएक्शंस जो हमें ध्यान रखनी है, एक ये रिएक्शन होती है सल्फर सोल कैसे बनता है, SO2 plus H2S, SO2 और H2S की रिएक्शन कराते हैं, उससे बच्चों क्या होता है ये वाटर निकल जाएगा और ये सिर्फ सल्फर बचेगा, क्या बचेगा, सल्फर सोल, समझ आ रही सबको बात। तो ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका रिडक्शन हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, और ये जो सल्फर बचता है ये भी आपको पता है सल्फर सोल्स आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये जो भी एक्सेस में H2S है उससे सल्फाइड आयन अपनी बॉडी पे चिपका लेगा, है ना, क्या चिपका लेगा अपनी बॉडी पे, सल्फाइड आयन, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? इस तरह से आप लोग याद रखोगे कि इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज, मेटल सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, सल्फर सोल इज नेगेटिवली चार्ज, मेटल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है केमिकल मेथड्स, उसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आपको ध्यान रखनी है। थर्ड है बच्चों ये FeCl3 का भी हम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल कैसे बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करा के, तो वाटर के साथ रिएक्ट करा के फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनता है, और इसमें अभी एक और चीज होती है, क्या होता है, पेप्टाइजेशन, है ना, एक मेथड होता है पेप्टाइजेशन, थर्ड मेथड केमिकल मेथड, ये सारे के सारे तो केमिकल मेथड्स है, एक मेथड आएगा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना उसको, पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन वगैरह बोर्ड वगैरह में भी लिखने के लिए आ जाता है। पेप्टाइजेशन में हम जैसे ही प्रेसिपिट बनता है उसको एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ थोड़ा शेक कर देते हैं, है ना, जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना उसको मैंने FeCl3 के साथ थोड़ा शेक कर दिया, तो क्या होगा, Fe+3 के पार्टिकल्स जाके FeOH की बॉडी पे चिपक जाएंगे, वही एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, इस तरह से चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार्ज, ठीक है।
peptization may be defined as process of converting a precipitate into colloidal salt by shaking it with DM in the presence of a small amount of electrolyte. By shaking it with dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte. समझ में आ रहा है? उस electrolyte से common ion जाके उस salt की body पे चिपक जाएगा और उसको क्या कर देगा? Stabilize कर देगा. Clear everyone? This method is known as peptization. ठीक है प्रज्ञा, एनी डाउट? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विद DM in presence of a small electrolyte. ये डेफिनेशन आपको स्कूल वगैरह में भी लिखने के लिए याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. पेप्टाइजेशन, ठीक है. तो मेन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो वाला पोर्शन हो चुका आपका. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ये हार्डी शल्ज़े रूल जो हमने पढ़ा है ना, गोल्ड नंबर, इन सब के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, समझ में आ गई बात. ये सब आपका बोर्ड के लिए भाई डेफिनेशन क्या, पेप्टाइजेशन क्या होता है और ये सब, ठीक है. पेप्टाइजिंग एजेंट बोल देते हैं इसको जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया. यूज्ड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट. क्लियर एवरीवन? तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में स्पेशल मेथड्स में एक तो केमिकल मेथड्स हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, फिर पेप्टाइजेशन है, और एक है ब्रेडिग्स आर्क मेथड. थर्ड है, थर्ड और लास्ट है ब्रेडिग्स आर्क मेथड. उसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल आर्क बिजली का झटका दे के ये बाहर आइस बात है, यहाँ पे बिजली के झटके देने के लिए रॉड्स लगी हुई है, कैथोड एनोड, ठीक है. तो बच्चों हमारे जो ये मेटल्स होते हैं सिल्वर प्लेटिनम कोलोइडल सोल्स ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एक्सेट्रा, उनको बनाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको इतना हीट करके उसको वेपराइज कर देते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं मेटल्स में, और वेपर्स वेपर्स के कुछ इकट्ठे हो जाते हैं टुकड़े से, चंक्स बन जाते हैं एक साथ, और बाहर रखा हुआ इस बात वेपर्स बन वेपर्स फॉर्म में थोड़ा पास आ जाएंगे, और फिर बनते ही वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे. बाहर जो आइस बात रखी हुई उनको कंडेंस कर देगी एक साथ. जैसे ही कंडेंस होंगे वो एक टुकड़े से बन जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड वेपराइजेज द मेटल. इंटेंस हीट जो इलेक्ट्रिक आर्क निकालेगी वो वेपराइज कर देगी मेटल को, ठीक है. विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइज. फिर वो बनते ही, वेपर्स बनते ही बाहर आइस रखी हुई है तो कंडेंस हो जाएंगे. बताओ जो समझ आ रहा है सबको, ठीक है. एक तरह से ऐसे सोचो, हमने एक टुकड़ा लिया थोड़ा सा बड़ा सा गोल्ड का है ना, वेपराइज कर दिया उसको. वेपराइज कर देंगे तो वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग हो गए, और बनते ही वो क्या हो गए, अलग अलग टुकड़े होते ही वो क्या बन गए, आइस बात होने की वजह से कंडेंस हो गए. बताओ जो समझ में आया सबको, ठीक. इसको बोलते हैं ब्रेडिग्स आर्क मेथड. इलेक्ट्रिक आर्क यूज करते हैं इसलिए इसका नाम है ब्रेडिग्स आर्क मेथड. तो ये सब मैं ऊपर वाला जो पार्ट था वो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला वो तो समझ में आ गया, और आपको लॉजिकल होता है वो. ये सब आपको बच्चों याद करना है कि मैं खुद ये अभी एनसीईआरटी से देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना. तो ये सब थोड़ा सा आपको याद करनी है चीजें. थर्ड प्रिपरेशन का मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग्स आर्क मेथड. समझ
So this method includes, yeah, this process involves dispersion as well as condensation. Colloidal source of metals like such as gold, silver, platinum, etc. can be prepared by this method. Intense heat vaporizes the metal. Which then condenses. Clear everyone? तो ये हो गए बच्चों कुछ methods of preparation of colloidal particles. तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और तीन आपको मेथड्स ऑफ एयर प्योरिफिकेशन याद रखने हैं. मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ये सब कहानियां बोरिंग सी आपको याद रखनी है बोर्ड के लिए. मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन तीन मेथड्स हैं प्योरिफिकेशन के. एक तो है फिल्टर डायलिसिस, एक है इलेक्ट्रो डायलिसिस और एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. डायलिसिस डायलिसिस बाय वालों को ज्यादा समझ में आ जाता है इजिली, है ना. तो उसमें करते क्या है वो इस तरह से एक पाउच में है ना डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होती है. पाउच एक थैली सी होती है जिसमें से सॉल्वेंट पास हो सकता है पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसी, ठीक है. तो उसमें वो जो स्पीड से पानी पास कराते हैं प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है. प्योरिफिकेशन कर रहे हैं स्पीड से पानी पास कराते हैं तो पानी अंदर जाता है. पानी फ्लो होके इम्प्योरिटीज को निकालते रहते हैं. कॉलोइडल पार्टिकल्स वहीं पड़े रहते हैं. धीरे धीरे धुलाई होती रहती है, सफाई होती रहती है, डायलिसिस होता रहता है. तो जैसे किडनी वगैरह डायलिसिस होता है कि प्योर है ना खराब ब्लड की जगह प्योर ब्लड लगाना, वैसे ही कुछ सीन है. यहाँ से प्योर अच्छा मतलब साफ पानी पास करा रहे हैं और यहाँ से इम्प्योरिटीज निकलती जा रही है. समझ आ रहा है. Dialysis is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. Clear बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है. It is process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. All right. बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसलिए इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं. इलेक्ट्रोडायलिसिस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. इलेक्ट्रोडायलिसिस में कोई कैथोड एनोड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस करने के लिए हमें
इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज होनी चाहिए। इंप्योरिटीज कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज होंगी तो इलेक्ट्रोडायलिसिस से बहुत आसानी से तेजी से सेपरेशन हो जाएगा, कैथोड एनोड लगा देंगे, है ना। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो पॉजिटिव इंप्योरिटीज होंगी वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगी, नेगेटिव जो होंगी वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगी। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोडायलिसिस तो समझते हो आप लोग, है ना। तो डायलिसिस इज वेरी स्लो, आउटडेटेड है, ठीक है प्रज्ञा, एनी डाउट? इट कैन बी मेड फास्टर, नो सर, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझ के करोगे तो कुछ याद हो जाएगा आपको इजीली। सर हीमोडायलिसिस जो मेथड है वो इसी डायलिसिस से लिया गया है क्या? हीमोडायलिसिस जी, ये क्या होते हैं, बॉडी का करते हैं क्या? यस सर, जो डायलिसिस प्रोसेस है ना किडनी का, हाँ, तो ये इससे नहीं लिया गया, ये उससे लिया गया होगा, वो तो बहुत पुरानी है ना, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी, ठीक है। अच्छा, उससे ये लिया गया है, ठीक है। मतलब डायलिसिस तो फंडा वही होता है ना कि हम एक तरफ से पास कराते हैं प्योर चीज और वो उससे ना इम्प्योरिटीज निकलती जाती हैं, तो वही चीज है, इधर से एक तरफ से प्योर पानी फेंक के मार रहे हैं और धुलाई हो रही है उसकी, और क्या है ना, सिंपल। ओके सर, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डिजॉल्व सब्सटेंस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो डिजॉल्व सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है तो ये काम करेगा मजे में, बढ़िया तरीके से, इलेक्ट्रोडायलिसिस हमारा। समझ में आ गई बात सबको बच्चों, ठीक है। कैथोड एनोड जानते हो आप लोग, कैथोड पे कैटायनिक प्रॉपर्टी, कैटायनिक इंप्योरिटीज, और एनोड पे एनायनिक इंप्योरिटीज निकल जाएंगी। लास्ट है बच्चों एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं, ये बायो वाला ये सब काम करते भी हैं, है ना। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं एक, तो एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, लेकिन और ज्यादा फिल्टर, और ज्यादा उसमें पोर्स छोटे होते हैं, ठीक है। तो पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड इन साइज बाय इम्प्रेगनेटिंग विद कोलोडियन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। अरे बाप रे, है ना, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं याद है इसमें से, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो मैं आपको रीडिंग मार के सुना रहा हूँ। तो ये आपको बस तीन चीजें नाम तो याद होनी चाहिए, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स, विच आर परमीएबल टू ऑल सब्सटेंसेज एक्सेप्ट द कोलोइडल पार्टिकल्स, विच आर परमीएबल टू ऑल सब्सटेंसेज एक्सेप्ट कोलोइडल पार्टिकल्स। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से वो पास हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और उनके पोर्स को छोटा कर देते हैं, उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड करा के, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेलुलोज, ये बायो वालों को पता होता है डेफिनेटली, है ना। तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोडियन सॉल्यूशन जो है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेलुलोज होता है इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। तो कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर सो इट्स पोर्स आर फर्दर रिड्यूस्ड यूजिंग कोलोइडियन सॉल्यूशन विच इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये यूज करके
कि ये कोलोडियन सॉल्यूशन है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है, इसमें डुबो देते हैं उसको, फिल्टर पेपर को, प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन कोलोडल कोलोडियन सॉल्यूशन, सोकिंग द फिल्टर पेपर इन कोलोडियन सॉल्यूशन, समझ में आ रही बात, एंड देन हार्डनिंग बाय फॉर्मल्डिहाइड, हार्डनिंग बाय फिर पेपर को थोड़ा हार्ड कर देते हैं फॉर्मल्डिहाइड यूज करके, और फिर उसको ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, बस ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड वगैरह पूछ सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है, क्या होता है, क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सारी कहानी याद करनी है आपको, और फिर आपका ये चैप्टर का ये वाला पोर्शन करना, एक दो तीन चीजें और बची इसमें कैटलिसिस वगैरह, है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में कदम करते हैं इस चैप्टर को। ओके, बाय एवरीवन।